क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उदयराज यादव पकड़ी है जी। पिताजी का नाम दुखरन यादव है। मैं गांव पकड़ी का निवासी हूँ। थाना कौन सा है आपका? थाना मेरा मछली शहर पड़ता है। क्यों आए थे यहाँ पर आप? सर यहाँ पे आए थे हमने कि हमारे जमीन जो है मैंने 98 का बैनामा किया हुआ है, तो 98 में मैंने 16 डिसमिल का बैनामा मेरा था, 16 में मैंने 8 डिसमिल बनाया हूँ, 8 डिसमिल मेरी जमीन बची हुई है। उसमें मेरे पार्टनर में था जो 24 डिसमिल था, मेरा 16 था, तो 24 वाला मेरा पार्टनर जो है बाजू में बना करके वो भी बनाए हैं, और मेरा उत्तर साइड में घर बना हुआ है, आज 20 साल हो गया है। घर के बीच में मेरा दक्षिण साइड में मेरी जमीन छूटी हुई थी, अभी उसमें मैंने अपना निर्माण करने जा रहा था, तो मेरे गांव के ही पकड़ी के ही शैला कुमारी बिंद पति शैलेश कुमार बिंद ये जा करके ये लोग रोके, मैंने रुक गया, मैंने ठीक है 112 पे फोन किया, 112 पे कई बार फोन किया, दो बार पुलिस आई, प्रशासन यहाँ से गई, सब वो लोग वहाँ जा करके आते हैं, फिर काम चालू हो जाता है, मिस्त्री भाग जाते हैं मौके पे, जब ये वापस चले आते हैं फिर काम वो चालू हो जाता मतलब है। मतलब आप थाने सूचना देते हैं, पुलिस जाती भाग जाते हैं, भाग जाती है, अब उसके बाद आने के बाद फिर काम चालू हो जाता है। काम चालू हो जाता है सर, फिर आने के बाद शाम तक ऐसे ही परसों भी काम चला सर, कल भी काम चालू किए वो लोग बिंद लोग, और कल सुबह से चालू किए, परसों से मैंने दौड़ रहा हूँ। अभी आपने उप जिलाधिकारी मछली शहर के जो है उनको आपने प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद यहाँ थाने पे भी आपने आज थाना दिवस से सूचना दिया, क्या कहे आपको? बोले ठीक है आपको जो है इसको बंटवारा करवा लीजिए, हाँ। जो भी है उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी एसटी लीजिए, और जो भी कार्रवाई होगी फिर किया जाएगा। जो निर्माण चल रहा है रुकेगा नहीं वो कुछ, उसके लिए मैं बोला सर आज में वो लोग कल तो बना लिए हैं, मिट्टी उट्टी गिराएंगे सर, उसको रोका जाए, हम 24 लेंगे बंटवारे के लिए लेंगे, तो सर उसमें टाइम लगेगा, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा सर। यह वीडियो आपके डीएम साहब अनुज कुमार झा जी देख रहे हैं, योगी जी देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जो भी हमारा है उसको दिया जाए, हमारा है हमको मिले, हम इसके लिए इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सभी लोग से अनुग्रह है जी, विनती है हाथ जोड़ करके, मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोग से, क्योंकि मेरा यादव हूँ सर, कोई मेरा साथ नहीं देने वाला है, मैं अकेले हूँ, इसलिए वो लोग जो है जबरदस्ती मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। कितने बार थाना पा चुके सर? मैं परसों से थाना पे आ रहा हूँ, परसों भी आया था कई बार, कल भी 2-3 बार आया, फोन 112 पे कल भी 2-3 बार किया मैंने, और दरोगा साहब भी गए थे, फोर्स भी कल गई थी एक बार। डर नहीं है क्या उनको? अभी डर कुछ भी नहीं है सर, वो लोग खुले आम कल शाम तक सर मिट्टी से कच्चे मिट्टी से जोड़ जाड़ करके वो लोग पत्थरे रख लिए सर शाम तक, अभी शाम तक हो गए, शाम को मैंने गया सर, सुबह से मैं दौड़ दौड़ के तहसील यहाँ दौड़ करके अकेले में जाता हूँ, फिर घर पे बुलाते हैं, घर पे जाता हूँ, फिर थाने से बोलते हैं इधर आ जाओ, और मैं सामने कल आ गया, विपक्ष पार्टी आया ही नहीं, मैं आया आज आया नहीं, विपक्ष पार्टी नहीं आया, आज भी नहीं आया, तो आ करके चला गया, तो बोलते हैं को आई थी किधर चली गई, आई नहीं है अभी आप आ रहे हो, बोला सर आई थी तो उसको बैठाना चाहिए, बोले किधर चली गई अभी फोन नहीं उठा रही है जी, तो सर अभी कहाँ गई हो, कहाँ गई है, तो उसको आप लोग ढूंढना चाहिए, बोलते कोई रहता नहीं है, मैं जाता हूँ मौके पे, केवल औरत रहती है जिसके नाम से लिखाया गया जमीन, तो सर उसके घर वाले हैं, उसके और लोग हैं ना उसके घर के, अभी मैं किसको वहाँ जब कोई रहता नहीं मैं किसको बताऊँ, बोलते आप बताते नहीं हो, जब कोई रहे तब तो बताऊँ सर, आप देखते हैं गाड़ी और निकल जाते हैं वो लोग, भाग जाते हैं, कुछ मिस्त्री भी भाग जाते हैं, हम किसको बताऊं जब वहाँ पे नहीं है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ मछली शहर थाना पर, यह यहाँ के थाना प्रभारी यजुवेंद्र सिंह हैं, यहाँ के एसडीएम चौरसिया साहब हैं। अब सोचने की बात यह है कि यह पीड़ित थाने तहरीर देता है, तहरीर देने के बाद पुलिस जाती है, फिर पुलिस आने के बाद फिर कार्य चालू हो जाता है, तो मुझे लगता है कि पुलिस भी लिप्त है, क्योंकि अगर पुलिस अगर चाहे तो निर्माण रोक सकती, राजस्व विभाग को अभी एडीएम साहब से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि दफा अपना बंटवारा करें, लेकिन जब विवादित जमीन है आगे यहाँ पीड़ित प्रार्थना पत्र दे रहा है तो वहाँ कोई कार्य नहीं होना चाहिए। मैं जिले के जो एसपी हैं, जो अनुज कुमार झा डीएम साहब हैं, जो आईजी हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी जी से निवेदन करूँगा इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और जो उचित कार्रवाई है उससे उचित कार्रवाई की जाए। जय हिंद।